नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, आओ आओ बहादुर सिंह, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भूल से नहीं सेठ जी, जानबूझ कर आया हूँ। सेठ जी, मैं आपको सचेत करने आया हूँ। सेठ जी, सचेत करने आया? आजकल दो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। आतंक? चोरी के ऐसे नए नए चक्कर चलाते हैं कि पुलिस भी चक्कर घिनी बन जाती है। क्या बात करते हो? अभी कुछ दिन पहले एक अलमारी में घुस के पूरे घर को लूट लिया। पूरे घर को? कभी कभी किरायेदार बनकर जाते हैं और फिर मालिक बनकर मकान को बेच डालते हैं। मकान को बेच डालते हैं? और सुनिए, कभी कभी नौकर बनकर जाते हैं। सेठ जी, दूध ते लस्सी। ये दोनों आप क्या? अरे भाई, इन दोनों ने एक महीने से मेरी जो सेवा की है, मेरी औलाद ने आज तक नहीं की। अरे सेठ जी, ये अभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बाद में मेवा खा के उड़ जाएंगे। क्या मतलब? अरे सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यही तो है वो दोनों जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। अच्छा, एक है तारा और दूसरा है सितारा। मुझे मालूम है। माय बाप, मैं क्या, आपने तो हमारी सारी किए कराए मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। मुजरिम जितना भी सुधरना चाहे, लेकिन आप जैसे लोग उसे सुधरने नहीं देंगे। नहीं, मैं क्या भूल गए? अरे नहीं, आंख में लग जाएगा। भूल गए, जेल में हमने आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, कोई भी आंटी प्लांटी शांटी चांटी टाइप का काम नहीं करेंगे। वैसे ही करने जा रहे थे, लेकिन आपने सेठ जी को बता दिया, हमारे पेट पे लात मार दी। तू कितने जा रहे यार? मैं टर्न कितना सी ना, पीछे लात लग गई। आज मैं आपकी शान में ना कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ। करो जी। अगर ये कानून के नुमाइंदे इसी तरह अपना पुराना राग अलापते रहेंगे तो हम जैसे गरीब लोग तो बार बार जेल का रास्ता नापते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को चोर नहीं बनने दूंगा सेठ जी। तुम दोनों यही मेरे पास रहोगे। जी, मैं तो चलता हूँ, लेकिन आप जरा इनसे अलर्ट रहिएगा। नाटक लगा गया? नहीं नहीं, नहीं लगी, नहीं लगी। अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ जी। अब तो तुम दोनों सुधर गए हो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब चोर थे, हाँ जी, हाँ जी, तो किस तरह से चोरी करते थे? हाँ जी। एक आध वाक्या मेरे को सुनाओ। हाँ जी। तो मैं चोरों से अलर्ट रहूँ ना। हम जैसे पाजी, पहले ना हम एक मोहल्ला ढूंढते हैं, फिर उसके बाद पाजी उस मोहल्ले की सबसे इनोसेंट फैमिली होती है ना, जिनके पास पैसे भी हो, वहाँ घुस जाते हैं। उसके बाद हम नौकर बनके उसकी खूब सेवा करते हैं। जिस तरह से मेरी सेवा करते हो। Exactly. और पाजी, उसके बाद जब टोटल कॉन्फिडेंस आ जाए ना उनको, तो उनके दूध चाय लस्सी के अंदर ना थोड़ी नींद वींद की गोली मिला के ना बस काम हो जाता उतने में। कैसे कैसे बेवकूफ लोग है कि लस्सी में नींद की गोली मिली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनको पता नहीं चलता है कि उनके इनको पता चला बेवकूफ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी है। अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा तो उस पार्ट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों बंटा है, सिर्फ सब्सक्राइब ही करोगे, घंटा भी बजा डालो। घंटा दबेगा तभी तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग ला रहे हैं और भी एक्साइटेड प्रोजेक्ट जो आपको बहुत हंसाएगी, बहुत ही मस्ती देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में बने रहे, चैनल के साथ में बने रहे, और चैनल के साथ में बने रहने के लिए प्यार बांटिए, सब्सक्राइब करके और प्यार लेते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।